मंडी पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें साफ मंडी ग्रीन मंडी का नारा दिया गया। आज के ही दिन मलेरिया दिवस भी मनाया गया, जिस उपलक्ष्य पर बच्चों को जागरूक किया गया। इस रैली को गुरुदेव चंद शर्मा पुलिस अधीक्षक मंडी और जीवानंद चौहान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभिन्न स्कूलों के करीब 150 बच्चों ने भाग लिया और स्थानीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस रैली के माध्यम से मंडी को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें मलेरिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय ने बच्चों को जागरूक किया। इसके अतिरिक्त हितेश लखनपाल पुलिस अधीक्षक मंडी ने भी बच्चों को साइकिल रैली के आयोजन व मलेरिया दिवस के बारे में संबोधित किया। 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, और इसी के तहत जो है रोड सेफ्टी पर अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स पुलिस द्वारा भी और प्रशासन द्वारा भी आयोजित की जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मंडी पुलिस द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, और ज्यादातर इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इस रैली का बेसिक उद्देश्य भी यही था कि एक तो पोल्यूशन को कम करना है, दूसरा सड़कों पे कंजेशन कम करना है, और ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ में बच्चों में एक तरह से पॉजिटिव वैल्यूज को इनकल्केट करना, ताकि उनकी जो एनर्जी है सही दिशा में चैनलाइज हो पाए और वो एक अच्छे नागरिक बन पाए, इस रैली को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य था।